दोस्तों, आज हम पढ़ रहा है संबंधित वाक्यों को सीखेंगे, साथ ही होना है संबंधित वाक्यों को सीखेंगे। दोस्तों, श्रेष्ठ कर्मों के लिए यदि कोई काम करना पड़ रहा हो तो वह मजबूरी नहीं, आवश्यकता होती है। तो हम चलते हैं पढ़ रहा के रूल के साथ। पढ़ रहा है सब्जेक्ट प्लस इज ए मार प्लस हैविंग प्लस टू प्लस वर्ब। जैसे मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू लर्न इंग्लिश। मुझे गांव जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो टू विलेज। मुझे साइंस पढ़ना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्टडी साइंस। मुझे दौड़ना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू रन। तो दोस्तों, इन तमाम वाक्यों में मैंने क्या देखा? दीज सेंटेंसेस वे आर शोइंग हेल्पलेसनेस, मजबूरी बता रहे थे। उसी प्रकार होना है संबंधित वाक्यों को देखें। जैसे आज मैच होना है, देयर हैज़ टू बी ए मैच। आज पूजा होनी है, देयर हैज़ टू बी ए रिचुअल। आज एक सभा होनी है, देयर हैज़ टू बी ए मीटिंग। दोस्तों, यहाँ भी हमने होना है संबंधित वाक्यों को देखा जो कंपल्सन बताते हैं। अब नीचे तमाम शब्द दिए गए हैं, इनके साथ पैसेज, और पैसेज में ऊपर बताए गए सारे रूल्स दर्शाए जाएंगे। तो चलते हैं एक एक शब्द के साथ। जैसे अपार्ट फ्रॉम लर्निंग कंप्यूटर, आई एम हैविंग टू लर्न इंग्लिश टू। कंप्यूटर सीखने के अलावे मुझे अंग्रेजी भी सीखना पड़ रहा है। यहाँ पे मैंने पढ़ रहा है जैसे वाक्य को देखा। अब दूसरे शब्द के साथ चलते हैं। ही नोज हाउ टू आर्टिकुलेट वर्ड्स। वे जानते हैं कि शब्दों को कैसे सजाना है। हिज ऑरेटरी स्टाइल इज ऑब्वियसली रिमार्केबल। उनका बोलने की शैली बहुत ही रोचक है, बोलने की शैली काफ़ी रोचक है। हेंस ही इज हैविंग टू बी हियर टू टीच अस। इसीलिए उन्हें यहाँ रहना पड़ रहा है ताकि वे हम लोगों को पढ़ा सकें। अब चलते हैं फासिनेट शब्द के साथ। ही हैज़ फासिनेटेड द ऑडियंस बाई हिज स्पेल बाउंड परफॉर्मेंस। उन्होंने एक शानदार परफॉर्मेंस से अपने श्रोताओं को मोहित किया। ही हैज़ फैसिनेटेड द ऑडियंस बाई हिज स्पेल बाउंड परफॉर्मेंस, येट ही इज़ हैविंग टू बी इन क्राइसिस ऑफ मनी। फिर भी उन्हें पैसे की तंगी में रहना पड़ रहा है, जबकि उन्होंने फैसिनेट यानी श्रोताओं को मोहित किया है। कितने अच्छे कलाकार हैं। येट ही इज़ हैविंग टू बी इन क्राइसिस ऑफ मनी, फिर भी उन्हें पैसे की तंगी हालत में रहना पड़ रहा है। तो दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे शब्दों के साथ। वाई एम आई हैविंग टू बी हीयर। मुझे यहाँ क्यों रहना पड़ रहा है? लेट मी रिवील, मुझे यह बताने दो। आई एम हीयर ओनली टू टॉक विद यू। मैं यहाँ सिर्फ तुमसे बात करने हेतु हूँ। तो यहाँ भी मैंने पढ़ रहा है संबंधित वाक्य देखा, और रिवील एक वर्ड है जिसकी हिंदी व्यक्त करना होती है। वाई एम आई हैविंग टू बी हीयर, मुझे यहाँ क्यों रहना पड़ रहा है? लेट मी रिवील, यह मुझे रिवील यानी बताने दो, व्यक्त करने दो। अब चलते हैं इटरनल शब्द के साथ। वी आर हैविंग टू लिव ऑन द ब्लू प्लैनेट विद पॉल्यूशन। हमें प्रदूषण के साथ इस पृथ्वी पर रहना पड़ रहा है। बट दिस प्लैनेट इज इटरनल। लेकिन ये प्लैनेट जिस पर हम रहते हैं वो इटरनल है, यानी कभी समाप्त होने वाला नहीं। यहाँ भी मैंने पढ़ रहा है संबंधित वाक्य देखा। अब चलते हैं रिसरेक्शन के साथ। रिसरेक्शन मीन्स होता है पुनः आगमन। पुनः किसी चीज़ का आगमन हो जाए, या संस्कृति हो, परंपरा हो, अगर उसका पुनः आगमन हो तो उसे अंग्रेजी में रिसरेक्शन बोलते हैं। वी आर हैविंग टू फॉलो दिस ओल्ड कल्चर। हमें इस पुरानी संस्कृति को मानना पड़ रहा है, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ रिसरेक्शन, जो पुनः आ चुका है। तो यहाँ भी मैंने पढ़ रहा है संबंधित तो वाक्य देखा। तो दोस्तों, मैंने तमाम पढ़ रहा है या होना है संबंधित वाक्यों की जानकारी दी। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।